दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद पांडे जी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपी पॉलिटेक्निक के स्कॉलरशिप से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। दोस्तों सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट अभी तक अपना स्टेटस नहीं चेक किए हैं वो अपना स्टेटस चेक कर लें, क्योंकि स्टेटस जो है 80% स्टूडेंट का गलत दिखा रहा है, जबकि वो उन्होंने सही डाला हुआ है सब कुछ, उसके बाद भी स्टेटस में कुछ ना कुछ गलतियां हैं और उन सारी गलतियों का संशोधन का डेट आ गया है, वेबसाइट भी दोस्तों खुल रही है। तो ऐसे में ये लखनऊ पॉलिटेक्निक की तरफ से ये सूचना आई है कि जो भी स्टूडेंट का कोई ना कोई गलती यदि कर दिए हैं स्कॉलरशिप को भरते समय, तो वो उनका जो है वो इस समय जा करके संशोधन करा सकते हैं। और सबसे पहली बात दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, तो एक बार आप अपने स्टेटस को ओपन करें। जैसे स्टेटस ओपन करेंगे तो आवेदन पत्र की स्थिति जांचने के लिए जब आप उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर दिखा देगा कि आपका कहाँ से जो है आपका दिक्कत हो रहा है, कहाँ पर सस्पेक्ट दिखा रहा है। तो जहाँ से सस्पेक्ट दिखाएगा तो आप क्या करिएगा कि अपने नज़दीकी विकास भवन जाकर के, डेवलपमेंट ऑफिस जाकर के एप्लीकेशन लिख करके और वहां से आप संशोधन करा सकते हैं। दोस्तों ये आखिरी मौका है, इसके बाद जो है वेबसाइट नहीं खुलेगी। इसके बाद चाहे आप कुछ भी कर लीजिए तो ये वेबसाइट आपकी नहीं खुलेगी और उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप जो है 27 तारीख से आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे में तो सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने स्टेटस को चेक करिए, स्टेटस को चेक करने के बाद आगे की कार्रवाई करिए। उसके बाद मैं दोस्तों बता दूँ कि जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो तो अपना क्लास 10 जिन्होंने CBSE बोर्ड से पास किया है 10th, उसके बाद या 12 पास किया है उन्होंने अपने स्कॉलरशिप पे CBSE बोर्ड डाला हुआ है, तो वो तो स्टूडेंट जो है अपना जरूर ही करवा ले, क्योंकि उनका उनका जो आने उनका पूरे CBSE बोर्ड के स्टूडेंट का सस्पेक्ट ही दिखा रहा है। ऐसे भी देखिए दोस्तों मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि क्या यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आई है। इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से आई है दोस्तों कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 के समस्त प्रथम एवं द्वितीय पाली छात्रवृत्ति के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र में हुई त्रुटि कारण सहित छात्र scholarship.up.nic.in पर प्रदर्शित हो रहा है। ये वेबसाइट खोलेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालेंगे तो आपका स्टेटस दिखाई देने लगेगा। तो त्रुटि निराकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन भी आ गया है, अतः संबंधित छात्र छात्राएं जो है वो ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि जांच कराकर सुधार कर संस्था में 30 तारीख तक आवेदन पत्र की प्रिंटेड कॉपी जमा कर दे। और यहाँ पर ये जो है दोस्तों यह वेबसाइट खुल रही है, यही वेबसाइट है, मैं आपको बता देता हूँ। ये वेबसाइट पर ओपन करिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालिएगा तो आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा।